गुड मॉर्निंग, अभी बज रहा है 7:15। ब्रेकफास्ट अनल हो गया है, हम भी रेडी हैं निकलने के लिए। थोड़ा बैग पहन के, अगर मैं पीछे दिख रहा होगा बैग है, बैग पहन के थोड़ा वॉकिंग कर लूँ कि सब चीज़ एडजस्ट है कि नहीं। आज यहाँ से पहले हम फूलना जाएंगे, जो 4 किलोमीटर गाड़ी से ही जाना है। उसके बाद हमें घांगरिया के लिए 10 किलोमीटर चलना है। मेरा लगेज थोड़ा भारी हो गया है, पर मे बी बिकॉज मैं अकेला हूँ तो सब चीज़ मुझे खुद ही कैरी करना पड़ रहा है। सामान शेयर नहीं हुआ, इसके कारण ये चीज़ हो सकता है। और आपको पीछे मेरा दिख रहा होगा कितना सुंदर नज़ारा। अभी हम लोग 10-15 मिनट में निकलने वाले हैं। कल यहाँ रात को बहुत बारिश हुई है, थोड़ा स्नोफॉल भी हुआ है। स्नोफॉल के पिक्स आपको दिख जाएंगे, अगर पिक्स ना दिखे तो मैं आपको थोड़ा वीडियो में दिखाने का चेष्टा करता हूँ। थिंक दिस वन इज़ द स्नोफॉल। ये आपको मेरे फेस के ठीक बगल में यहाँ दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लर्ड है। दिस वन इज द नर नारायण पिक सीन इन द बैकग्राउंड। तो दिख रहा होगा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है अपना, पीछे लोग आ रहे हैं। ट्रैवल कर लिया है, थोड़ी देर में ही लंच पॉइंट आने वाला है। मैंने सोचा तो था पूरे ट्रेल का टाइमलेस बनाऊंगा, पर जितना इजी सोचा था उतना इजी नहीं है। एंड मेरा लगेज थोड़ा ज़्यादा भारी था, इसलिए ट्रैवल करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैं नहीं बना पाया। अभी यहाँ बैठ के रेस्ट कर रहा हूँ। तो चारों तरफ दिख रहा होगा, हाँ 5 मिनट रेस्ट करने के बाद, यहाँ मेरा हाफ ऑफ द ग्रुप है। यहाँ 5 मिनट्स रेस्ट करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ी देर में 15-20 मिनट में लंच पॉइंट आएगा वहाँ लंच करके, फिर बाकी का 4-5 किलोमीटर स्टिप लाइन में। अरे गाइस, ऑलमोस्ट लंच पॉइंट पर पहुँच गए। आपको मैंने यहाँ पर आपको हाथी पर्वत दिखाने के लिए फोन किया है। ये आपको जो दिख रहा होगा मेरे पीछे, ये जो है ये है हाथी पर्वत। इसका शेप पूरा एलिफेंट जैसा है। इसके बगल में घोड़ा पर्वत भी है, पर वो हमें दिखेगा नहीं। इस पॉइंट के बाद हमें ये हाथी पर्वत नहीं दिखना था, इसलिए मैं आपको शो कर देता हूँ। एक और एस्टोनिशिंग सी चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ऊपर जो शाइनी टाइप का है सब, ये सारे वाटर रिफ्लेक्शन से पानी पत्थर से पानी के ऊपर से सूर्य का किरण पड़ते हुए पत्थर पर ऐसे शाइन कर रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। मेरे पीछे अलग अलग सिर्फ 500-600 मीटर दूर है घांगरिया बेस कैंप से। जितना इजी लगा था उतना इजी था नहीं, बहुत ही डिफ़िकल्ट हुआ मेरे लिए पर्सनली। बीच में तो मुझे 6 किलोमीटर करने के बाद मेरे को तो अपना बैग और एक गाइड को देना पड़ा। मेरे से कैरी हो नहीं रहा था, मैंने उनका बैग किया, उन्होंने मेरा बैग किया। बहुत ही धन्यवाद है। अभी जस्ट एक जगह ऐसे ही रेस्ट कर रहे हैं। आपको मेरे अगल बगल दिख रहे हो यार, कितना ग्रीनरी, इतना ग्रीनरी तो अपने शहर में कहीं ना दिखे। पीछे मेरे फेलो ट्रिकर्स रेस्ट कर रहे हैं। आपको स्काई देखिए कितना
स्काई। धूप में सोने का मौका नहीं मिलेगा मेरे को। अब यहाँ से 15-20 मिनट यहाँ रेस्ट होने का, फिर निकलेंगे हल्दिया के, ज़्यादा नहीं 500-600 मीटर है, वहाँ जाके आज नाइट स्पेंड करना है। वो मेरे पीछे ही उधर ऊपर आपको दिख रहा होगा वही नारायण पीक है, यहाँ से एक मोटी ग्लेशियर भी आती है। चल थोड़ी देर में यहाँ पर सन बात किया जाए, उसके बाद और किसी को कुछ करना है तो करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाना कोई सुनाएगा कुछ बताएगा, जो गज था ना आप लोग वापस अपने अपने घर चले जाएंगे। नहीं नहीं यार देखो ये तो भाई को आता है, गाना सुनाओ, जो गाना गा रहे गाना सुना दो, चलो गढ़वाली गाना एक सुनाओ यार आप लोग। छोटो पाए पहुंचे जाबो सेई चांदेर पहाड़, राम धनु राम मैं देखते पाबो पहुंचे जाबो, हम छोटो छोटो पाए चलते चलते ठीक पहुंचे जाबो। ज्ञान ये निल निन्न परन्नगन्नोरु पैंगिली मलर्तेंगिली, പൈങ്കിളി മലർത്തെങ്കിളി, ആയിരം കഞ്ചായിരസത്തെ ഖുഷി ഹോയാഗം പിഗലേ നാഹം ചലത്തെ ചലത്തെ ചട ജാഗരെ മലർ ജാ। एक बीच में नाचेगा ना डांस कम ऑन आज डांस करता, मोबाइल में गाना चलेगा करता करता क्या करता करता क्या अंदर वाला 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 चलो आप सब आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल स्टेप है टूट से। आपके हिसाब से कुछ भी करो चलेगा, करने से नहीं है स्टेप किस पे डाल दो हाँ इधर इधर ऐसा करो, ये कोई बात डांस नहीं है, जैसे इसके बाद है कौन पिछले बंदा है, वो पिछले बंदा को फ्री स्टाइल बोल रहा है, आप वीडियो में खाली घूमना है तो बस ये सब है। जितना हो रहा है फाइनली पहुंच गए, अभी बज रही है 4 सुबह 7:30 बजे के आसपास निकले थे, वहां से ऑलमोस्ट 4-4.5 घंटे की जर्नी करते थे, लास्ट जो 1 किलोमीटर जैसा था, लास्ट जो 1 किलोमीटर उसमें मैंने बैग खुद ही कैरी किया, अब ये पीछे
आपको मेरे पीछे पीछे होटल दिख रहा होगा, यहाँ ठहरेंगे, रेस्ट करेंगे अभी। मैं तो जाके सिम खा के सोना है, उसके बाद कल सुबह 7:30 बजे के अराउंड मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया।